बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज सेकंड ईयर के मैथ्स के पास्ट पेपर में आपको दिखाऊंगा कि इसके पैटर्न किस तरह आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस पेपर के टोटल मार्क्स 100 होते हैं और इसके लिए टाइम 3 घंटे आपको टाइम दी जाती है। और सेक्शन ए जो कि होते हैं, इसमें आपको 20 MCQs दी जाती है और 20 मिनट आपको टाइम दी जाती है। 20 मिनट के अंदर आपको ये बबल शीट में पूर करना होगा। और इस पे MCQs के पैटर्न इसी तरह आता है कि इसमें ज़्यादा MCQs एक्सरसाइज और आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ MCQs थ्योरी से बनाया जाता है। और इसके बाद आपको सेक्शन बी दी जाती है, और सेक्शन बी और सी के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट बाकी रहते हैं। और सेक्शन बी की जो टोटल मार्क्स है वह 50 है, और 50 मार्क्स है। और इसी सेक्शन बी में आपको 13 क्वेश्चन दी जाती है, और इसमें से 10 क्वेश्चन आपको लिखने होगी। 3 क्वेश्चन आप चॉइस में जोड़ सकते हैं, कोई भी जोड़ सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन के 5 इक्वल मार्क्स बनते हैं। लेकिन इसके पैटर्न भी इसी तरह है जिस तरह MCQs के थे। MCQ जो एक्सरसाइज है आपकी बुक में उनसे, और आप एग्जाम्पल जो कि है थ्योरी में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। और सेक्शन सी जो कि है, इसकी टोटल मार्क्स 30 होते हैं, और इसमें आपको 4 क्वेश्चन दी जाती है। 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और 3 क्वेश्चन की हर एक क्वेश्चन की 10 इक्वल मार्क्स है। लेकिन क्वेश्चन एक क्वेश्चन में, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 पार्ट होते हैं, आपको दोनों पार्ट करने होते हैं। तो ये सेकंड ईयर के मैथ्स के पास पेपर थे, ये आपके पेपर में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कि पेपर के पैटर्न किस तरह थे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। वसलाम।